सो हेलो मेडिकोस, टुडे वी लर्न अबाउट द गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ द एल्यूमिना. ठीक है, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द मेडिसिन. सो हमारा जो पहला गाइडिंग सिम्टम है वो क्या है? देयर इज द एवर्जन टू मीट एंड पोटैटो. जी हाँ, ये जो पर्संस होते हैं उसमें एवर्जन होती है मीट एंड पोटैटो से. अब ये जो पर्सन है वो पोटैटो खाना पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, फिर भी ये जो पोटैटो है उसमें क्या जनरेट करता है? कॉन्स्टिपेशन. ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो पोटैटो को है किसमें कंसीडर किया जाएगा? एवर्जन में. ठीक है, देन द सेकंड सिम्टम्स, द पर्सन्स आर दी वेरी चिली. ठीक है, ये जो पर्सन हो गए कैसे हो गए? चिली हो गए. क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसमें रिएक्शंस होती है, केमिकल एंड फिजिकल रिएक्शंस, जिसकी वजह से क्या होता है? हीट जनरेट होती है. अब ये जो हीट है यहाँ पर लेक है, तो ये इसकी वजह से पेशेंट जो हो गए वो कैसे हो गए? चिली हो गए. और उसमें भी क्या है, उसकी जो कंप्लेंट्स सारी होती है वो किससे रिलीव्ड होगी? ऑब्वियसली वार्म से रिलीव्ड होगी. ठीक है, वार्म उसको जो है वो जोन मिलेगा तो उसको अच्छा लगेगा. बट उसमें भी एक एक्सेप्शन है कि उसकी जो स्किन की कंप्लेंट्स है, वो जो स्किन की कंप्लेंट्स है उसमें वार्म से जो है वो रिलीव नहीं होगा. ठीक है, अब थर्ड वन जो है वो गाइडिंग सिम्टम्स कौन सा है? ऑल द म्यूकस मेम्ब्रेन्स आर ड्राई. उसके जो सारे म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं वो ड्राई होते हैं, जस्ट लाइक द ब्रायोनिया. आपने ब्रायोनिया में भी ये पढ़ा होगा कि उसके सारे म्यूकस मेम्ब्रेन्स है वो कैसे हो गए? ड्राई हो गए. ठीक है, देन देयर इज द फोर्थ गाइडिंग सिम्टम्स विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन. जी हाँ, ये जो पर्सन्स होते हैं उसमें ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन होता है, जिद्दी होता है, बहुत ऑब्स्टिनेट होता है. क्यों? क्योंकि ये जो पर्सन्स जो है उसकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से उसके जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है इंटेस्टाइन की वो रिड्यूस हो जाती है. ठीक है, अब हमारी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रिड्यूस हो जाएगी उससे उसकी वजह से पेशेंट को है वो कॉन्स्टिपेशन से सफ़र करना पड़ेगा. और स्पेशली इनमें जो क्या है, देयर इज द ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो जो स्टूल मतलब बनेगा उसमें वाटर कंटेंट की कमी होगी, तो इसकी वजह से भी जो पेशेंट है वो किससे सफ़र करेगा? कॉन्स्टिपेशन से. ठीक है, जो प्लेटिना है उसमें भी ये मतलब ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन प्रेजेंट होता है. एंड सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक भी है इन दोनों में कि ये जो पर्सन्स होते हैं उसमें क्या होगा, देयर इज द मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन इज स्लो एंड स्टूल अदर्स टू द रेक्टम. जी हाँ, प्लेटिना और ये जो एल्यूमिना है दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि उसका जो स्टूल है वो किससे अदेयर हो जाएगा? रेक्टम की जो वॉल है उससे चिपक जाएगा. एंड क्ले लाइक कंसिस्टेंसी जो है उसके स्टूल की होगी. ठीक है, एंड वो जो है उसका जो सॉफ्ट स्टूल बनता है ना उसमें भी उसको ग्रेट स्ट्रेनिंग करनी पड़ेगी. उस लोगों को इजीली मतलब स्टूल पास हो ही नहीं सकता इन लोगों में. ठीक है, देन क्या होगा, ल्यूकोरिया इसमें मार्क है. ये मतलब आपको वन मार्कर और ऐसे पूछ सकते हैं कि एल्यूमिना का जो ल्यूकोरिया होता है वो रनिंग डाउन टू द हिल्स, मतलब उसकी एडी तक मतलब इतना फ्लो ज़्यादा होता है कि उसकी एडी तक जो है वो ल्यूकोरिया चला जाता है, इतना प्रोफ्यूज ल्यूकोरिया होता है. तो उसका ल्यूकोरिया कैसा होगा? प्रोफ्यूज होगा, देन वो ट्रांसपेरेंट होगा. ठीक है, और एक्रीड होगा. एक्रीड मतलब उसकी जो मतलब सेल्स है अगर वो जाएगा कहाँ पर, हाथ पर ऐसे गिरा तो उसकी जो मतलब सेल्स है उसको डैमेज कर देगा. एक्रीड होगा, नेचर में एसिडिक होगा. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्रीड. ठीक है, देन जो ल्यूकोरिया होता है वर्स होगा किससे? डे टाइम जब होता है तब ल्यूकोरिया ज्यादा प्रेजेंट होता है कंपेयर टू नाइट. ठीक है, देन देयर इज द सॉल्ट वाइन एंड विनेगर. जी हाँ, अगर वो सॉल्ट पेपर वाइन विनेगर ये सब चीजें लेंगे तो वो जो है वो इमिडिएटली कफ प्रोड्यूस कर देता है इन लोगों में. ठीक है, देन देयर इज द डायरिया व्हेन द पेशेंट यूरिनेट. जी हाँ, ये सिम्टम भी है, एक मार्क्ड सिम्टम है. ये जो पर्सन्स होते हैं उसमें डायरिया प्रेजेंट होगा, व्हेन जो यूरिनेशन उसका होता होगा तब उसमें डायरिया भी प्रेजेंट रहेगा. ठीक है, ऑल्सो देयर इज द इनेबल टू वॉक विथ आई क्लोज्ड. जी हाँ, ये जो लोग होते हैं उसमें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में जो उसका है एक्सप्लेनेशन दिया था कि ये जो लोग होते हैं उसमें कंट्रोल लॉस हो जाता है, फिजिकल लेवल एंड मेंटल लेवल, बोथ ही लेवल पे लॉस ऑफ कंट्रोल की वजह से. जनरली नॉर्मल पीपल में क्या होता है हम लोगों में कि हम लोग ना आंख बंद करके थोड़ा बहुत चल लेते हैं, बट ये जो पर्सन्स हो गए वो आंख बंद करके नहीं चल पाएगा. ठीक है,
सो इनेबल टू वॉक विथ आईज क्लोज्ड, ठीक है. देन देयर इज द इंटेंस क्रेविंग. जी हाँ, ये लोगों में जो इंटेंस क्रेविंग प्रेजेंट होगी, स्पेसिफिकली जो अनडाइजेस्टेबल फूड पार्टिकल्स है उसके प्रति इन लोगों में जो है वो क्या होगा, क्रेविंग प्रेजेंट होगा. देन वो क्रेविंग कौन से मतलब चीजों से होगा, रैग्स चाहिए उसको, मतलब कपड़ा जो है उसकी जो ऐसे रैग्स यू नो थ्रेड लाइक होते हैं ना, उसकी उसको क्रेविंग हो गई. देन रैग्स, क्लोथ, चौक, चारकोल, टी ग्राउंड एंड कॉफी. जी हाँ, ये सारी जो थिंग्स है मतलब अनडाइजेस्टेबल थिंग्स है उसके प्रति एल्यूमिना का जो पर्सन होगा उसको, और बेबी भी होगा तो उसको क्या होगा, क्रेविंग होगा, ठीक है. देन उसमें क्या होता है नेक्स्ट, एग्रावेशन उसकी किससे होती है, न्यू मून और फुल मून. जी हाँ, ये जो पर्सन होते हैं उसकी जो कंप्लेंट्स है वो बढ़ जाती है न्यू मून एंड फुल मून में. देन उसका जो है वो कोल्ड एयर से भी या कोल्ड एक्सपोजर भी आ गया, क्योंकि ये पर्सन जो होते हैं वेरी चिली होते हैं, ठीक है, तो उसकी जो कंप्लेंट्स है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी. देन एमेल्योरेशन इससे किससे मिलेगा, ऑल द एमेल्योरेशन किससे होगा, वार्मथ इन जनरल से, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ द एल्यूमिना. अगर आपको कोई क्वेरी है या डाउट है पूरे मटीरिया मेडिका में, यू कैन फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. Write your questions in the comment section and I will give you answer soon. ठीक है, bye bye, मिलते हैं next video.